हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल। तो बच्चों, हमने पहला मॉड्यूल अपना कंप्लीट कर चुका है जिसमें फोर्थ चैप्टर्स थे। तो अब हम इस बुक के दूसरे मॉड्यूल पे जिसमें फोर्थ चैप्टर्स और है। तो हम दूसरे मॉड्यूल के पहला चैप्टर है जिसका नाम है दास हाउस ऑफ फैमिली बाइबल। इसका मीनिंग होता है द हाउस ऑफ फैमिली बाइबल। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर बेसिकली हम तीन मेन चीज पढ़ेंगे। पहला फर्नीचर्स, अलग अलग जो फर्नीचर्स होते होंगे उन्हें जर्मन में हम क्या कहते हैं। सेकंड चीज पढ़ने वाले कलर्स, कलर्स के नेम पढ़ने वाले हैं। और जो थर्ड चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है रूम्स के नेम। रूम इन द सेंस जैसे बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, वॉशरूम हो गया, तो घर के सब पार्ट है रूम, तो उसको हम जर्मन में क्या कहते हैं। तो इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे विद एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स भी हम पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रूम्स के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले रूम, रूम रूम कोई भी हो, बस सिंपली हम रूम को जर्मन में कहते हैं जिमर, जेड आई एम एम ई आर, जिमर, ठीक है, जिमर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज गार्डन। गार्डन को हम जर्मन में कहते हैं गार्डन, बट डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर जैसे डी आया है तो बस यहाँ टी आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे क्या बोलते हैं गार्डन, वहाँ बोलते हैं गार्डन, गार्डन, ओके। नेक्स्ट इज बेडरूम। बेडरूम बेडरूम क्या होता है, जहाँ हम सोते हैं। तो बेडरूम को हम जर्मन में कहते हैं श्लाफजिमा। देखो गाइस, यहाँ पर ये है, देखो श्लाफ, अगर मैं जिमा को हटा दूँ, जिमा का मतलब होता है रूम और जर्मन श्लाफ का मतलब होता है स्लीप, टू स्लीप, तो मतलब स्लीपिंग का रूम, जहाँ हम सोते हैं, श्लाफजिमा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस रूम। बच्चों का रूम जो होता है, छोटे बच्चों का जो होता है रूम, उसे हम क्या कहते हैं किंडरजिमा। किंडर मतलब बच्चे, चिल्ड्रन, और जिमा मतलब रूम, चिल्ड्रंस रूम, किंडरजिमा। अब जैसे अगर आपको कोई रूम होगा तो वो चिल्ड्रंस रूम ही कहलाएगा, किंडरजिमा, ओके। नेक्स्ट इज लिविंग रूम। लिविंग रूम या ड्राइंग रूम जो बोल लो, लिविंग रूम को हम कहते हैं वोनजिमा, वोनजिमा, ठीक है। अच्छे से प्रोनाउंसिएशन देखिएगा तभी आपको आएगा, वरना ऐसे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो वापस वीडियो को री करके देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज किचन। तो किचन को हम जर्मन में कहते हैं क्यूशो, के यू उमलाउट, यू उमलाउट है, और सी एच ई, क्यूश, नीचे समझो क्यू श, क्यूश। नेक्स्ट इज बाथरूम। बाथरूम को हम क्या कहते हैं जर्मन में, बाड जिमा या बाड, ठीक है। दो वे से कह सकते हैं, या सिंपली आप बाड कह सकते, वो बैड नहीं, इंग्लिश में से बैड नहीं बोलना, तो बाड, ठीक है, बाद या बादेड जिमा। अगर जिमा लगा रहे हो तो उसका थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन, बादेड जिमा, बादेड, यहाँ पर बीच में डिफरेंस है, बाड, बादेड जिमा, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्टोर रूम। स्टोर रूम वो जगह है जहाँ अपना पुराना कचरा सामान सब स्टोर करके रखते हैं, तो उस रूम को हम जरूर कहते हैं आग शेल राम। क्या कहते हैं, आग शेल राम, आग शेल राम, आग शेल राम, ओके। नेक्स्ट इज वर्किंग रूम। वर्किंग रूम या स्टडी रूम, जहाँ आप अपना काम करते हो, तो उस रूम को हम क्या कहते हैं जर्मन में, अरबाइट जिमा। आपके पेरेंट्स का कोई ना कोई अलग रूम होता ही, जहाँ पर आपके पापा या मम्मी काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो उस रूम जहाँ काम करते हैं उसे हम अरबाइट जिमा कहते हैं, आर बाइट जिमा, अरबाइट जिमा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम बोल लो या वो जगह बोल लो जहाँ बैठ के खाना खाते हो, डाइनिंग टेबल एंड ऑल, उस जगह को हम कहते हैं डाइनिंग रूम। तो उसको हम जरूर कहते हैं एस जिमा। एस मतलब होता है टू ईट, और रूम मतलब जिमा, जिमा मतलब रूम, तो एस जिमा, खाने वाली जगह, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, पहला टॉपिक जिसमें हमने घर के कुछ रूम्स के बारे में लर्न किया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोबल, मतलब फर्नीचर के ऊपर और ऑब्जेक्ट्स है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो भी ऑब्जेक्ट डेयर में है, तो मैंने तीन अलग बॉक्स बनाए, डेयरडी दास के लिए, तो जो ऑब्जेक्ट दास के लिए है तो वो इस बॉक्स में है, डेयर वाले ऑब्जेक्ट इस बॉक्स में है, और डी वाले ऑब्जेक्ट इस बॉक्स में, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं एक लाइन सब लिखता तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि डेयर का कौन सा, दास का कौन सा, डी का कौन सा है, तो इसलिए ये बहुत क्लियरिटी होगा अच्छे से। तो आप इस टेबल का ऐसी नोटबुक में अपने बना ले जिससे आप लर्न करने में इजी हो आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले दास से स्टार्ट करते हैं। तो दास पहला है दास बेड, द बेड। तो जब अगर बेड है, बेड को हम जर्मन में कहते हैं बेट, बेट, ठीक है, और इसका आर्टिकल दास, ठीक है, द बेड, दास बेड। नेक्स्ट सोफा, सोफा को हम जर्मन में सोफा भी कहते हैं, जोफा, जो कह लो दोनों सेम है, तो इसका आर्टिकल दास, दास जोफा, सॉरी द सोफा, दास जोफा, ठीक है। नेक्स्ट इज द शेल्फ। शेल्फ को हम जर्मन में कहते हैं रेगाल, रेगाल, द शेल्फ, दास रेगाल। तो
आपके बुक में बस इतना ही दिया दास का, तो और डी का 2 दिया है, इसके 5 दिए है। तो पहले आप डी की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया अच्छे से क्लियर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, द बेड दास बेड, द सोफा दास सोफा, द शेल्फ दास रेगाल दास रेगाल। ओके मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज द लैम्प। लैम्प को हम कहते हैं जर्मन में लंप, क्या कहते हैं लंप, ठीक है। जब भी लास्ट में ई एंडिंग आ जाता है ना तो अ की साउंड आती है, लंप, ठीक है। द लैम्प डी लंप, ठीक है। अगला है शावर, द शावर, शावर को हम कहते हैं जर्मन में डूश, ठीक है, द शावर डी डूश। मूव टू नेक्स्ट वन, डी का भी कंप्लीट हो चुका है, अब डेयर का है, डेयर का है, ठीक है। तो द वार्डरोब, वार्डरोब या कबर जो बोल लो उससे हम जर्मन में कहते हैं श्रंक, क्या कहते हैं श्रंक, ठीक है। डेयर श्रंक द वार्डरोब, जहां हम कपड़े रखते हैं वो वाला वार्डरोब, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेबल, टेबल को हम जर्मन में कहते हैं टिश, क्या कहते हैं टिश। याद रखना अगर जब भी एस सी एच कोई भी सेंटेंस या वर्ड में हो एस सी एच, उसकी प्रोनाउंसिएशन श की होती है, जैसे इंग्लिश में एस और एच आते हैं तब श की प्रोनाउंसिएशन होती है प्रोनाउंसिएशन, और जर्मन में एस सी एच के साथ होती है, सी आ जाता है बीच में। तो डेर टिश द टेबल। अगला द चेयर, चेयर को हम जर्मन में कहते हैं स्टूल, स्टूल एस टी यू एच एल स्टूल, डेर स्टूल आर्टिकल डेर डेर स्टूल द चेयर। और नेक्स्ट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर वेरी इजी, कंप्यूटर को हम जर्मन में कंप्यूटर कहते हैं द कंप्यूटर डेर कंप्यूटर, आपको आर्टिकल लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्री, ट्री को हम जर्मन कहते हैं बाउम, बाउम बी ए यू एम बाउम, द ट्री डेर बाउम। ओके तो गाइस ये था हमारा ऑब्जेक्ट जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट मोबाइल, मोबाइल मतलब फर्नीचर जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। जस्ट लर्न इट, आपको जो सबसे मेन चीज लर्न करना है वो है आर्टिकल, आर्टिकल लर्न करना है और फर्नीचर्स के नेम लर्न करना है, ठीक है, तभी आप अपने रियल लाइफ में यूज कर पाओगे उसे। और मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं इसे लर्न करने के लिए, याद रखना जब भी केस आए डी का जर्मन में मोस्ट ऑफ द केसेस में एंडिंग ई होता है, ठीक है, या कोई भी आप देख लो, ठीक है, कहीं भी आपको ई एंडिंग लगे, बाउम कंप्यूटर स्टूल टेस्ट श्रंक बेड सोफा रिगार, नहीं है ना ई एंडिंग, ई एंडिंग कहा है लंप डूश। तो ये एक ट्रिक हो सकता है आपको लग रहा है डी का, डी में ई एंडिंग है बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। तो ई एंडिंग देखकर झट से समझ जाओ अच्छा ही तो डी का है, ओके। और ये जो भी मैंने कहा द, जो भी डेड डी दास था यहाँ पर वो सब द डेफिनेट आर्टिकल द, अगर आपको इसको इनडेफिनेट आर्टिकल में बोला, इनडेफिनेट क्या, जैसे यहाँ पर द बेड है तो क्या हो जाएगा अ बेड, अ सोफा, अ शेल्फ, अ लैम्प, अ शावर, अ वार्डरोब, अ टेबल, अ चेयर, अ कंप्यूटर, अ ट्री। तो इसे कैसे बोलेंगे जर्मन में, ये रहा इसके लिए। अगर जैसे डेयर का, डेयर में केस में आई लगता है इनडेफिनेट, ठीक है, डीगर आई नो दास का आई, ये चीज रूल मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बता चुका, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप लास्ट वीडियोस देखो जितने भी है तो आपको ही क्लियर हो जाएगा। हाउ टू गेट चैप्टर से देख लो वो, उसके बाद से ये रूल्स है, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं इनडेफिनेट में, आइन बेड, आइन सोफा, आइन रेगाल, आइन नो लंप, आइन नो ड्यूश, आइन श्रंक, आइन टेश, आइन स्टूल, आइन कंप्यूटर, आइन बाउम। ओके वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस इट। ओके सो गाइस इसी के साथ हमारा ये सेकंड टॉपिक चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, तो अब बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। ओके सो गाइस आवर थर्ड टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑफ फार्बेन, फार्बेन, फार्बेन मींस कलर। सो इसका थर्ड टॉपिक है कलर्स के ऊपर, तो हम इस चैप्टर में कलर्स के नेम भी लर्न करते हैं। तो पहला कलर रेड, रेड को हम बोलते हैं रॉड, क्या बोलते हैं रॉड, ठीक है। नेक्स्ट ब्लू, ब्लू को हम जर्मन कहते हैं ब्लाउ, ब्लाउ पी एल ए यू ब्लाउ। नेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन कलर को हम जर्मन में बोलते हैं ग्रीन, जी आर यू उमलाउट एन, मैंने बोला था आपको जब भी यू उमलाउट आते हैं तो आवाज़ नीचे जाती है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, ग्रून नहीं ग्रीन। नेक्स्ट येलो, येलो को हम जर्मन में कहते हैं गेल्ब, जी ई एल बी गेल्ब। नेक्स्ट ब्राउन, ब्राउन को हम जर्मन कहते हैं ब्राउन कहते हैं, बट डिफरेंस कहा है इसके प्रोनाउंसिएशन में, सॉरी डिफरेंस है इसके स्पेलिंग में, जैसे ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन बी आर ए यू एन ब्राउन, ब्राउन। ओके नेक्स्ट ब्लैक, ब्लैक को हम जर्मन कहते हैं श्वार्ट्ज, श्वार्ट्ज एस सी एच शावी साउंड डब्ल्यू ए आर जेड श्वार्ट्ज। नेक्स्ट ऑरेंज, ऑरेंज को जर्मन में हम कहते हैं ऑरेंज, ठीक है, स्पेलिंग सेम है बट डिफरेंस का इसकी प्रोनाउंसिएशन में, ऑरेंज ऑरेंज। ओके नेक्स्ट पिंक, पिंक को हम जर्मन में कहते हैं रोजा, रोजा आर ओ एस ए। नेक्स्ट पर्पल, पर्पल को हम जर्मन कहते हैं लीला, एल आई एल ए लीला।
नेक्स्ट वाइट, वाइट को जर्मन में कहते हैं वाइस, वाइस। यहाँ पर ये इसको बी में समझना है, ये होता है एच से डबल एस को एक साथ ऐसे लिखा जाता है वाइस, ठीक है वाइस वाइट। नेक्स्ट ग्रे, ग्रे को जर्मन में कहते हैं ग्राओ, ग्राओ। नेक्स्ट लाइट, देखो गाइस लाइट को जर्मन में कहते हैं हेल और डार्क कहते हैं हम डंकेन। अब मैंने ये इसलिए लिखा है जैसे अगर आपको बोलना है डार्क रेड, डार्क रेड तो आप क्या से बोलोगे डंकेन रॉड, डंकेन रॉड। अगर आपको बोलना है लाइट ब्लू तो आप कैसे बोलोगे हेल ब्लाओ, ब्लाओ क्या होता है ब्लू और हेल क्या होता है लाइट, तो लाइट ब्लू हेल ब्लाओ, डार्क ब्लू तो डार्क क्या बोलते हैं डंकेन तो डंकेन ब्लाओ। ऐसे आप किसी भी कलर्स के आगे अगर लाइट या डार्क बोलते हो तो आप हेल और डंकेन का यूज करते हो। ओके सो गाइस ये था हमारा फाबेल का नेम, फाबेल नाम। तो अगर आपको जैसे कि बोलना है माई फेवरेट कलर इज दिस, तो जैसे मेरा फेवरेट कलर ब्लू तो आप इसे कैसे बोलोगे जरूर माई लीबलिंग, लीबलिंग मतलब होता है फेवरेट, माई लीबलिंग फाबेल, फाबेल मीन्स कलर, इज जो आपको कलर है, माई लीबलिंग फाबेल इज लाइट ब्लू, माई लीबलिंग फाबेल इज हेल ब्लाउ। ओके तो ये था हमारा टॉपिक ओवर हो चुका है जो, तो मूव टू नेक्स्ट वन। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मैंने जो लास्ट दो टॉपिक है उसको एक बार मतलब दोनों कंबाइंड कर दिया है, जो है एडजेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट फ्राग आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर एडजेक्टिव। ठीक है पहले एडजेक्टिव से हम स्टार्ट करने वाले, इस चैप्टर में हम ये सब एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले। पहला ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है बिग, बिग। ठीक है नेक्स्ट इज क्लाइन, स्मॉल, स्मॉल छोटी चीज को क्लाइन बोलते हैं जर्मन में, स्मॉल। नेक्स्ट कंफर्टेबल, अगर कोई चीज कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल को हम जर्मन में कहते हैं गेम्यूथलिश, सीधा स्पेलिंग जी ई गे एम यू नाउ म्यू टी म्यूथ गेम्यूथ और एल आई सी एच लिश गेम्यूथलिश। ठीक है नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल को हम जर्मन कहते हैं प्रैक्टिस, कोई चीज प्रैक्टिकल हो तो हम उसे जर्मन कहते हैं प्रैक्टिस, पी आर ए के टी आई एस सी एच प्रैक्टिस। नेक्स्ट न्यूथलिश, न्यूथलिश न्यूथ इतना पढ़ लो फिर जेड जेड के साथ एस न्यूट्स एंड लिश न्यूट्सलिश, जिसका मतलब होता है यूजफुल। ओके और लास्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हम जर्मन कहते हैं श्योन, और अगर वेरी ब्यूटीफुल लगाना है तो जिया लगा दो, पढ़ा है पहले भी हमने जिया मतलब होता है वेरी, तो वेरी ब्यूटीफुल जिया श्योन, वेरी प्रैक्टिकल जिया प्रैक्टिस, जिया गम्यूटलिश जिया क्लाइन जिया ग्रोस जिया न्यूटलिश ऐसे है। ठीक है तो ये था हमारा एडजेक्टिव, अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग ऑन एंटवर्ड। ओके तो पहला फ्राग ऑन एंटवर्ड है वी इज दी क्यूशर, अगर आप कोई भी घर के जो रूम उसके बारे में पूछना चाहते हो कैसा है बड़ा छोटा कैसा है तो कैसे पूछोगे वी इज दी क्यूशर। अभी मैंने यहाँ पर किचन के बारे में पूछा है, ठीक है वी इज द हाउ इज योर किचन, ठीक है हमारा किचन कैसा है, हाउ इज डी, हाउ इज द किचन, द डी क्यों लगा क्योंकि इसका आर्टिकल क्यूशर क्या होता है डी, तो हाउ इज द किचन वी इज दी क्यूशर। अब आंसर कैसा है जी इज क्लाइन अब प्रैक्टिस, अब देखो यहाँ पर गाइस, ठीक है इसका मतलब है इट इज स्मॉल, क्लाइन का मतलब पढ़ा था कहाँ गया स्मॉल, और आवर का मतलब होता है बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिकल, इट इज स्मॉल बट प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कर लो जी क्यों लगाया मैंने या शी के लिए यूज करते हो क्यूशक लिए क्यों यूज किया, देखो गाइस मतलब इसका इट है इट इज क्लाइन, जी क्यों लगाया इट जब लगाते हैं जर्मन में उसके लिए भी कंडीशन होता है डेयर डी दास का। ठीक है अगर जैसे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो जैसे यहाँ पर इसके बारे में किचन के बारे में बात कर रहे हैं और ये क्या है फीमेल, तो फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं डी, तो इसलिए आंसर भी हम दे सकते हैं इट में, तो इट में कैसे आंसर दोगे जी में, ठीक है जी इज क्लाइन मतलब इट इज स्मॉल। अगर यहाँ पर किचन की जगह आ जाता बाथरूम जैसे बाथ, तो बाथ का क्या है तो वहां पर आप आंसर जैसे उसका आर्टिकल दास है तो वहां पर आप आंसर जी में नहीं दोगे, आप आंसर दोगे एस में, एस में दास का एस डेयर का एयर और डी का जी। ठीक है सबका मीनिंग इट है, इट भी है ही शेड भी है। ओके तो इसलिए मैंने यहाँ पर जी यूज़ किया क्योंकि क्यूश है उसका आर्टिकल डी होता है तो डी का आंसर जी में भी दे सकते हैं। ओके तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं माइन क्यूश इज क्लाइन अब प्रैक्टिस या उसको इजी वे में इट इज स्मॉल एंड बट प्रैक्टिकल, तो इसलिए मैंने जी में दिया जी इज क्लाइन अब प्रैक्टिस। ओके मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज वी इज डाइन बार्ड, हाउ इज योर बाथरूम, किसी से पूछ रहे हो हाउ इज योर बाथरूम तो कैसे बोलोगे वी इज डाइन बार्ड, अब डाइन क्यों लगा क्योंकि इसका आर्टिकल होता है दास और दास का क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल डाइन, तो आइन का क्या होगा डाइन। ठीक है तो डाइन क्यों लगा क्योंकि यहाँ पर आइन है और आइन मतलब होता है दास इसका आर्टिकल है और यहाँ पर क्यूशा होता तो डाइनो लग जाता। ठीक है तो वी इज डाइन बाथरूम, हाउ इज योर बाथरूम,
एस इज ग्रोस, इट इज बिग, बड़ा बाथरूम है, ठीक है। तो हमें एस क्यों लगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया इसका आर्टिकल दास है, तो दास मतलब एस और डी मतलब जी, ओके। एस इज ग्रोस, इट इज बिग। मूव टू नेक्स्ट वन। अगर आपको पूछना है घर में ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मैंने बात की कंप्यूटर बारे में, तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ हाउ डू आई कंप्यूटर, डू यू हैव अ कंप्यूटर। अब यहाँ पर आई क्यों लगा, क्योंकि इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल है डेयर, ठीक है। तो डेयर का आर्टिकल क्या होता है, आइन, इनडेफिनेट आइन होता है, तो इसलिए हाउ डू आई कंप्यूटर, डू यू हैव अ कंप्यूटर। तो अगर पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब नेगेटिव, तो पी में आंसर पहले पॉजिटिव में यस और नो में, ठीक है। यस में आंसर कैसे दोगे, वो तो बहुत ईजी है, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आंसर। डू यू हैव अ कंप्यूटर, हाउ डू आई कंप्यूटर, या इश हाबा आइन कंप्यूटर, यस आई हैव अ कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट नेगेटिव में, नेगेटिव में आंसर हो जाएगा नाइन, नो, इश हाबा काइन कंप्यूटर, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, ओके। तो यहाँ पर नोटिस क्यों, आइन आंसर काइन, मैंने पहले भी रूल्स बताए हुए, आंसर आइन काइन डाइन आइन काइन डाइन, ये हमेशा याद रखना। क्वेश्चन जैसे डाइन में तो आंसर माइन होगा, डाइनो में है तो माइनो में होगा, और अगर क्वेश्चन आइन में नेगेटिव में आंसर होगा काइन में, अगर क्वेश्चन है आइनो में तो नेगेटिव में आंसर होगा काइनो में, ओके। तो आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, ऐसे आप और भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इज डाइन जिम अप ग्रोस। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या आपका रूम बड़ा है, ठीक है, अब आप साइज के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है, रूम का साइज क्या है, जैसे रूम, जैसे इस डाइन योर जिमा। अब यहाँ पर डाइन क्यों लगा, क्योंकि जिमा का आर्टिकल डेयर होता है, ठीक है, तो डेयर का क्या होगा, आइन, तो आइन मतलब डाइन, मैंने अभी बताया आपको। इज डाइन जिमा ग्रोस, इज योर रूम बिग। अब आंसर कैसे होगा, पॉजिटिव में तो पता ही, इसलिए मैंने नेगेटिव में दिया, पॉजिटिव में कैसे होगा, डाइन में आंसर तो माइंड में होगा आंसर, फिर क्वेश्चन डाइन में तो आंसर माइंड में, माइन जिमा इज ग्रोस, या माइन जिमा इज ग्रोस, तो अब डाइन तो सॉरी, अब नेगेटिव में आंसर कैसे होगा, नाइन, माइन जिमा इज नेस्ट ग्रोस, नेस्ट ग्रोस नॉट बिग, ठीक है। जब हैविंग की बात किया जाए तब हम काइन काइन का यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया ये हाउ डू गशुस चैप्टर में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने निश्चित लगाया, क्योंकि यहाँ पर हैविंग की बात नहीं हुई, हम बता रहे कि हमारा रूम कैसा है, नॉट बिग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसा आई इश हाबा काइन कंप्यूटर, आई डोंट हैव कंप्यूटर, मेरे पास नहीं है, हैविंग की बात हुई, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे माई सीमा इज नेस्ट ग्रोस, मैं अपने रूम के बारे में बता रहा हूँ, माई रूम इज नॉट बिग, तो किसी के बारे में बताने के लिए हम निश्चित यूज करते हैं, और हैविंग के में काइन 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 का यूज करते हैं, ठीक है। तो नाइन माइन सीमा इज नेस्ट ग्रोस, माई रूम इज नॉट बिग, आप इसको पॉजिटिव में भी आंसर कर सकते हो, नाइन माइन सीमा इज नेस्ट ग्रोस आवर बट इट इज ब्यूटिफुल, इट इज ब्यूटिफुल कैसे बोलोगे, इट इज ब्यूटिफुल एयर इज शोन, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज वो इज टिश। अगर आपको किसी से पूछना है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है घर में, ठीक है, कहाँ पर है, जैसे अगर मैं पूछूँ टेबल कहाँ है, तो कहीं भी हो सकता है, रूम में हो सकता है, बाइट जिमा में हो सकता है, वर्किंग रूम स्टडी रूम कहीं भी हो सकता है, वो सब पूछने के लिए हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, वो यूज करें, वो मतलब होता है वेयर, वो इज टिश, टिश मतलब होता है टेबल, वेयर इज टेबल, टेबल कहाँ है, तो कैसे बोलोगे, इसका आर्टिकल डेयर होता है, तो डेयर टिश इज एम आर बाइट जिमा एम। अब देखो मैंने पहले से पढ़ाया कि हर ऑब्जेक्ट, सॉरी मैंने पहले पढ़ाया कि अगर आप जहाँ स्टे करते, तो हम जैसे वो वन टीयर चैप्टर में आप जहाँ रहते, जैसे इश होना इन नोएडा इन, तो हम इन लगाते हैं, लेकिन अगर जब ऑब्जेक्ट की बात करें वो कहाँ पर है, तो ये प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं एम, इसे नोट कर लो, एम ऑब्जेक्ट के लिए प्रेपोजिशन हम इन यूज करते हैं, आई एम एम, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए भी प्लेसिंग का है उसकी, वो भी यूज करते हैं, आगे चैप्टर सेवन्थ में भी आप पढ़ोगे एम बहुत जगह यूज होता है, जैसे मंथ्स में यूज होता है, सीजन में यूज होता है, ओके, तो ये आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो वो स्टेज देयर टेस्ट इज इन अरबाइट जिमा, कहाँ है, द टेस्ट इज इन अरबाइट जिमा, वर्किंग रूम में है टेस्ट, ठीक है। अब आप आंसर यहाँ पर देयर टेस्ट की जगह ऐसे भी देख सकते थे, एयर इज इन अरबाइट जिमा, एयर में भी आंसर कर सकते थे, लेकिन मैंने डेयर में आंसर किया, ठीक है, डेयर टेस्ट, ओके। नेक्स्ट में उसी की तरह क्वेश्चन है, वो इज सोफा, अब सोफा कहाँ है, अब कहाँ हो सकता है सोफा, ऑफकोर्स ड्राइंग रूम में होगा या लिविंग रूम में होगा, ठीक है। द सोफा इज इन वोन जिमा, कहाँ है, द सोफा इज इन लिविंग रूम, ठीक है, क्लियर हुआ। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो चुका है, ये बहुत इजी चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग था, हमने इसमें कलर्स के नेम याद किए, फर्नीचर जिसको हम मोबाइल कहते हैं जर्मन में, और इसमें हमने एडजेक्टिव लर्न किए, ग्रामेटिक रूल्स लर्न किए। तो आपको जो प्रैक्टिस करना, जो सबसे मेन थिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि आप आर्टिकल लर्न कर लो, ठीक है, हर रूम्स के जो आर्टिकल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, फर्नीचर उसके आर्टिकल के, तो वो सबसे मेन है इस चैप्टर में,
ओके और कलर्स के भी नियम है, ठीक है। तो ये सब जब आगे तो आपको चैप्टर अच्छे से करना आएगा, तभी आप इसके बैक एक्सरसाइज कर पाओगे। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना, और गाइस देखो मुझे इतना मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगेगा आपको, तो डू सब्सक्राइब एंड एनी, और आपको कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इट आउट, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ओवर होती है, तो विल गोना मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन आउट इट इज इन एंड बीज बाय।